फ्रेंड्स, आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है ममता गोयल। ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो ये घुटनों का दर्द लेके आए थे। घुटनों के दर्द के साथ में इनकी चाल भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये चलते थे जिसको हम बैडलिंग गेट कहते हैं, बैडलिंग मतलब बतख की तरह चलना। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि घुटने ढंग से मोड़ नहीं पा रहे थे, घुटने पूरी तरह सीधा करने में इनको दर्द होता था और जल्दी ही अपने एक पैर से वजन हटाते थे। अब ये हमारे घुटने का एक मॉडल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो नीले वाला भाग आप देख रहे हैं इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये कार्टिलेज वाला भाग घिसना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये पूरी तरह घिस चुका होता है या घुटना टेढ़ा हो चुका होता है तो हम क्या करते हैं, वो ये होता है जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम हड्डी को ऊपर से काटते हैं, करीबन 8 से 10 मिलीमीटर हड्डी ऊपर कटती है और करीबन 8 से 10 मिलीमीटर हड्डी नीचे कटती है। ये काटने के बाद नीचे एक ऐसे प्लेट लग जाती है और ऊपर ये मेटल का एक इम्प्लांट लग जाता है। बीच में ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम इंसर्ट कहते हैं, जो कि स्पेशल तरीके की प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसके बाद ये घुटना हम वापिस अपना सेट करते हैं। इन दोनों इम्प्लांट्स को हम सीमेंट से फिक्स करते हैं, बोन सीमेंट कहते हैं। और जो टखना जो हम यहाँ पे मॉडल में देख रहे हैं, ये टखने को हम कुछ नहीं करते, एज इट इज वापिस अपनी जगह पे आ जाता है। पेशेंट को हम नेक्स्ट डे चला देते हैं। जनरली अगर सिंगल नहीं करे तो हम 6 घंटे में पेशेंट को चलाते हैं एंड पेशेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। तो आइए देखते हैं कि ममता गोयल जी का इनिशियली क्या हाल था और आगे कुछ टाइम के बाद उनका इम्प्रूवमेंट कैसे हुई है। क्या नाम है आपका? ममता गोयल। कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम बिहार। ओके। और कितनी उम्र है आपकी? 60 अराउंड। ओके। क्या तकलीफ है आपको? घुटनों में दर्द रहता था। ओके। कितने सालों से दर्द था? काफी टाइम से था। ओके। कितने सालों से? 10-15 साल से। अच्छा। लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा था। कहीं दिखाया था आपने पहले? हाँ दिखाया था, लेकिन बस वही है, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऑपरेशन बता रहे थे डॉक्टर्स, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ओके। अभी ये डॉक्टर खेड़ा के संपर्क में आए तो उनकी, डॉक्टर गौरव खेड़ा, गौरव खेड़ा ओके, के संपर्क में आए तो उनकी बातों से, उनके जो उन्होंने राय दी तो उससे काफी सेटिस्फेक्शन हुआ और डिसीजन ले लिया ऑपरेशन का। तो अब आपने जो डिसीजन लिया, आपको लगता है आपने सही डिसीजन लिया? हाँ सही डिसीजन लिया। ओके। जो लोगों का डर है इसके पीछे कि घुटने चेंज नहीं कराने चाहिए, जो उनको डर लगता है कि अगर घुटने चेंज करवा लोगे तो बिस्तर पे पड़ जाओगे, आपको लगता है ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं लगता। आप सेटिस्फाइड हैं डॉक्टर गौरव खेड़ा से? हाँ सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.